रूस का प्रशासन सिर्फ सैनिकों को नहीं बल्कि कई कुत्तों को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। हाल ही में इन वॉर डॉग्स की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें ये कुत्ते 13,000 की फीट से हैरनदेज जैसे पैराशूट के सहारे नीचे लैंड करते हुए देखे जा सकते हैं। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री टीवी चैनल के मुताबिक इन आर्मी वॉर डॉग्स पर किए गए टेस्ट सफल रहे हैं और 13,000 फीट की ऊंचाई से लैंड होने के बावजूद ये कुत्ते पूरी तरह से सुरक्षित थे और ज़मीन पर पहुंचने के बाद कमांड्स को फॉलो करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी थे। पैराशूट टेस्टिंग के विशेषज्ञ एंद्रे ने कहा कि ये कुत्ते अब तक 8 जंप लगा चुके हैं। हालांकि जंप लगाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इन डॉग्स को एयरप्लेन के अंदर कैसे लेकर जाए, क्योंकि ये हमारे लिए चुनौती होती है। एक बार एयरप्लेन में बैठने के बाद वे फ्लाइट का मज़ा उठाते हैं और कई बार खिड़की से धरती को नज़ारे भी देखते हैं। जब एयरप्लेन से जंप करने की बारी आती है तो काफ़ी शोर हो रहा होता है, इसके अलावा बहुत अधिक आवाज़ भी होती है। आगे उन्होंने कहा, लेकिन इन कुत्तों के साथ जंप करने वाले सैनिक इन्हें जंप के दौरान शांत कराते हैं। ये सैनिक पहले इनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग करते हैं ताकि ये डॉग इन सैनिकों को ट्रस्ट कर सकें और जंप के दौरान परेशान ना हो और सहज रहें। ये सैनिक मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार हों, क्योंकि अगर ये सैनिक जंप के समय परेशान होते हैं, घबराते हैं या उन्हें बेचैनी होती है तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि कुत्ते इमोशंस फील कर सकते हैं और उसमें जंप भी नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो सकती है। वहीं आगे उन्होंने कहा, इस मामले में अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं और सिर्फ 13,000 ही नहीं बल्कि हमारी कोशिश है कि 26,000 फीट से इन डॉग्स को जंप कराया जाए, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।